गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजी क्लास। आपका फर्स्ट पीरियड कौन सा है? इंग्लिश का। ओके, इंग्लिश में अपन ने यूज़ ऑफ एंड कंप्लीट कर दिया था। एंड का यूज़ कब होता है? और अब आपका है ऑन। यस, कौन सा यूज़ है? ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। जब कोई चीज़ किसी पर रखी हुई होती है ना, जैसे कि टेबल पर बुक रखी हुई है, ओके, या अपन किसी चारपाई पर बैठे हैं, या अपन किसी पर बैठे हैं, अपन टेबल पर बैठे हैं, तो अपन किसी पर बैठे हैं तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। जब कोई चीज़ किसी पर रखी हुई होती है, ओके, जैसे कि टेबल पर बुक रखी है ना, या टेबल पर पेन रखा है, ओके, तो देखो कैसे यूज़ करते हैं। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। ओके, अ डॉग ऑन अ लॉग। डॉग कहाँ बैठा है? एक लॉग पर बैठा है, दिख रहा है? लॉग मीन्स क्या होता है? लकड़ी का गट्ठा होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये लकड़ी दिख रही है, उस पर डॉग बैठा है, मोटी सी लकड़ी का गट्ठा है, उस पर डॉग बैठा है। डॉग ऑन अ लॉग, तो ये किसी पर बैठा है ना, तो किसी पर बैठता है तो उसके लिए क्या आता है? ऑन, है ना। ऑन अ डॉग ऑन अ लॉग। ओके, एक डॉग लॉग पर, ओके, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे। अ हैट ऑन अ मैट। हैट मीन्स क्या होता है? टोपी। और मैट मीन्स क्या होता है? चटाई। ओके, मतलब चटाई किस पर है, सॉरी, हैट टोपी किस पर रखी है? हैट पर रखी, मैट पर रखी हुई है ना, हैट मैट पर है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? टोपी चटाई पर। ओके, अ हैट ऑन अ मैट। अ हैट ऑन अ मैट, समझ में आया? मतलब टोपी चटाई पर। ओके, अ हैट ऑन अ मैट। अ पॉट ऑन अ कॉट। पॉट मीन्स क्या होता है? कोई बर्तन या मटका, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अ पॉट ऑन अ कॉट। कॉट मीन्स आपको पता है ना, चारपाई या खटिया, खाट, कुछ भी बोल सकते हैं, कॉट। तो बर्तन किस पर रखा हुआ है? कॉट पर, दिख रहा है आपको? देखो, कॉट पर रखा हुआ है ना, अ पॉट ऑन अ कॉट। बर्तन किस पर है? कॉट पर। ओके, पॉट मीन्स होता है बर्तन और कॉट मीन्स होता है चारपाई। अ पॉट ऑन अ कॉट, समझ में आया? सबसे पहले डॉग ऑन अ लॉग। डॉग किस पर है? लॉग पर। अ हैट ऑन अ मैट। हैट किस पर है? मैट पर। अ पॉट ऑन अ कॉट। पॉट किस पर है? कोट पर। ओके, तो ये है यूज ऑफ ऑन। जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी हुई होती है तो उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। ओके, समझ में आया? तो आपको ये सी डब्ल्यू आज की डेट डालकर, सी डब्ल्यू डालकर ये करना है। ओके, ये थ्री आपको है, ये आपको करने हैं अपनी इंग्लिश की नोटबुक में। यूज ऑफ ऑन, ओ एन ऑन, ठीक है। फिर देखो, इसके बाद में आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है। मैथ्स में आपके आज भी सबट्रैक्ट करवाऊंगी मैं। ओके, सबसे पहले देखो, नाइन में से नाइन सबट्रैक्ट करेंगे तो पीछे क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि नाइन लाइंस ड्रॉ की और नाइन लाइंस को कट कर दिया, तो पीछे नाइन में से अगर नाइन सबट्रैक्ट करें पीछे क्या रहेगा? जीरो। एट में से सेवन सबट्रैक्ट करेंगे तो एट लाइन ड्रॉ कर दी, सेवन सबट्रैक्ट कर दिया, पीछे क्या रहा? वन। ओके, सिक्स में से फाइव सबट्रैक्ट किया तो सिक्स लाइंस ड्रॉ कर दी, फाइव कट कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव, पीछे कितनी रही? वन, तो वन अपन ने लिख लिया। सेवन में से थ्री सबट्रैक्ट करेंगे तो सेवन लाइंस ड्रॉ कर दी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थ्री सबट्रैक्ट कर दिया, कट कर दिया, और पीछे कितनी रही? फोर, वन टू थ्री फोर। ओके, इसके बाद में है एट में से फाइव सबट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले एट लाइंस ड्रॉ की, फाइव कट कर दी, पीछे कितनी रही? थ्री, वन टू थ्री। सिक्स में से थ्री सबट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले सिक्स लाइंस ड्रॉ कर दी, वन टू थ्री, और थ्री सबट्रैक्ट कर दिया, वन टू थ्री, पीछे कितनी रही? थ्री। अब है सिक्स में से फोर सबट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले सिक्स लाइंस ड्रॉ कर दी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर फोर सबट्रैक्ट कर दिया, फोर कट कर दी, पीछे कितनी रही? वन टू। ओके, फाइव में से टू सबट्रैक्ट करेंगे, फाइव लाइंस ड्रॉ कर दी, टू कट कर दी, और पीछे कितनी रही? थ्री। फोर में से टू सबट्रैक्ट करेंगे, फोर लाइंस ड्रॉ कर दी,
टू कट कर दी पीछे, कितनी रही टू। ओके तो ये सब्ट्रैक्ट आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में करने हैं और अच्छे से करोगे। ओके ये मैथ्स का वर्क, ये इंग्लिश का, और ये किसका और हिंदी का वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके मैथ्स और इंग्लिश का वर्क इसमें है। ओके अच्छे से करोगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर ऑल स्टूडेंट्स।